जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप रोटी पर थूक कर फिर उसे सेक कर खा सकते हैं? जाहिर सी बात है कि आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मामला एक आया है जहाँ पर कारीगर ढाबे में थूक कर तंदूरी रोटी सेक रहा था, फिर उन्हीं रोटियों को कस्टमर को सप्लाई कर रहा था। यह पूरा मामला गाजियाबाद के एक होटल का है जहाँ पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी अनिल चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने रोटी बनाने वाले तसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ महामारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया ने यह वीडियो अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। 51 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स तंदूरी के पास खड़ा होकर रोटियां बना रहा था। तंदूरी में रोटी लगाते वक्त वह एक बार झुक जाता है। पिंकी भैया का दावा है कि यह शख्स थूक कर रोटी बना रहा था। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।